Hey everyone, welcome back to Educational Hike. This is Prem. So you have already seen thumbnail and exactly जो आपने thumbnail में देखा है हम वही पढ़ने वाले हैं यार. But before starting ना let's talk, कुछ बातें करते हैं. Most of you by face मुझे नहीं जानते हो क्योंकि face cam videos में बहुत कम बनाता हूँ. Last time हमने जो face cam videos बनाया था तो that was for your seniors जो इस year 2020 में जिन्होंने 10th का exam दिया उनके लिए. एंड नाउ वी आर बैक विथ अनदर वन एंड ओनली रीजन कि ये जो लास्ट 3 months की पढ़ाई है ना यार वो आपके लिए इजी अंडरस्टैंडेबल एंड एकदम कन्वीनियंट बना दी जाए. सो वी आर हियर विद द सेम. हमने कुछ इस वीडियो में अलग करने की कोशिश की है. होप यू ऑल विल लव दिस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन. आपको इंग्लिश लिटरेचर यार मैक्सिमम कितने तरीके से पढ़ाए जा सकते हैं, या तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा या समरी पढ़ाई जाएगी. क्या ऐसा कोई मिड वे है जिससे आपका टाइम भी कम लगे और चैप्टर की हर वर्ड हर फ्रेज और हर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स आपको रट जाए? सो सेम वही पढ़ेंगे हम. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, रिटन बाय लियाम ओ फ्लेहर्टी. ऑथर का नाम याद रखना लियाम ओ फ्लेहर्टी, FLAHERTY ऑथर का नाम है ये. इस स्टोरी की शुरुआत होती है बेचारा यंग सीगुल जो इस चैप्टर का हीरो है, ठीक है, वो अपने लेज पे अकेला होता है. लेज क्या है? लेज कोई एक ऐसी दीवार है और इस दीवार से कोई हॉरिजॉन्टल ऐसे कोई सेल्फ निकला हुआ है, इसे हम लेज कहते हैं. आप पीछे मेरे देख पा रहे हो ये था उस यंग सीगुल का लेज. तो बेचारा यंग सीगुल अपने लेज पे अकेला होता है. क्यों अकेला है? क्योंकि इसके भाई बहन एक दिन पहले ही यहां से उड़ चुके हैं. अब ये क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि इस यंग सीगुल को उड़ने से डर लगता था. इसे लगता था कि इसका पंख, इसके जो विंग्स हैं वो बहुत कमजोर हैं और इसे उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे. ऐसी बात नहीं है कि इसने कभी उड़ने की कोशिश नहीं की, इसने उड़ने की कोशिश की. जब कभी भी ये दौड़ के लेज के किनारे तक जाता था, अपने पंखों को फड़फड़ाता था और उड़ने की कोशिश करता था, बेचारा जैसे ही देखता था कि उसके लेज के सामने बहुत ही बड़ा समुद्र है और उसके लेज से इस समुद्र की गहराई मीलों नीचे थी. ये देखकर ये यंग सीगुल डर जाता था, अपने सर को नीचे करता था और वापस अपने लेज के नीचे एक होल था जहां पर ये रात में सोता था, वहां पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है. अब ऐसा नहीं है, इसके भाई बहन जो थे उनके पंख इस यंग सीगुल से काफी छोटे थे, लेकिन वो आराम से दौड़ के आते थे किनारे तक, अपने पंखों को फड़फड़ाते थे और उड़ जाया करते थे. इस यंग सीगुल के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था कि ये अपनी पहली उड़ान भर सके, और इसी के लिए इसके जो पेरेंट्स हैं इसे हमेशा डांटा करते थे, इसे श्रीली कहा करते थे, इसे तीखे आवाजों वाला कहा करते थे, इसे डांटते थे, इसे डराते थे कि अगर तुम इस लेज से नहीं उड़े तो तुम्हें यहीं भूखा मरने के लिए हम छोड़ के चले जाएंगे. पिछले 24 घंटे में इस यंग सीगुल के पास कोई भी नहीं आया था. इस यंग सीगुल ने कल देखा था कि इसके पेरेंट्स इसके भाई बहनों को सिखा रहे हैं कि कैसे उड़ते हैं, कैसे समुद्र की लहरों के ऊपर से उड़ते हैं, कैसे मछलियों के लिए छलांग लगाते हैं. यहां तक कि इस यंग सीगुल ने यह भी देखा कि इसके बड़े भाई ने अपनी पहली हेरिंग HERRING अपनी पहली छोटी मछली शिकार के तौर पर पकड़ ली थी और उसे खा भी लिया था. और इस बात की खुशी मनाने के लिए जो मदर सीगुल थी और जो फादर सीगुल थे वो अपने बड़े बेटे के चारों ओर सर्कल बनाकर उड़ रहे थे और एक प्राउड कैकल कर रहे थे, उसे शाबाशी दे रहे थे. इस यंग सीगुल ने देखा कि इसका पूरा परिवार सुबह से इसके लेज के सामने वाला जो पहाड़ था उसके बीच में एक प्लेट्यू था. प्लेट्यू क्या होता है? एक समतल जमीन होती है पहाड़ों के बीच में, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं. तो इसका पूरा परिवार सामने वाले पहाड़ के प्लेट्यू पर जाकर बैठा हुआ था और वहां से इस यंग सीगुल को देखकर ताने मार रहा था इसकी कायरता के लिए. धीरे धीरे दोपहर हो रही थी, सूरज आसमान में चढ़ रहा था और जैसे जैसे दोपहर हो रही थी इसके लेज पर, इस यंग सीगुल के लेज पर धूप पड़ रही थी और इस यंग सीगुल को थोड़ी ज्यादा ही गर्मी लग रही थी क्योंकि कल रात से इसने कुछ भी नहीं खाया था. और इसी के लिए वो अपने लेज के किनारे आता है, अपने एक पैर को अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है और अपने एक पैर पर खड़ा हो जाता है.
पहले अपनी एक आंख बंद करता है, फिर अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। वो अपने फैमिली को दिखाना चाहता था कि जैसे वो सो गया है, लेकिन फिर भी उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अब जब इस यंग सीगुल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता तो ये अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने वाले प्लेट्यू पर देखता है कि इसके भाई बहन तो सो रहे हैं। ये देखता है कि इसके फादर अपने पंखों को साफ कर रहे हैं। और जब ये यंग सीगुल अपनी माँ की तरफ देखता है तो ये देखता है कि इसकी माँ इसी को देख रही है। मदर सीगुल सामने वाले प्लेट्यू पर एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी थी। उन्होंने अपने पैरों में मछली को दबाया हुआ था और बार बार उस मछली को तोड़ तोड़ कर अपने चोंच से खा रही थी और उसके बाद अपने चोंच को पत्थर पर रगड़ रही थी ताकि अपने चोंच को वो नुकीला बना पाए। जैसे ही ये यंग सीगुल खाने को देखता है बिल्कुल पागल हो जाता है। इसे बहुत पसंद था जैसे इसकी माँ पहले मछली को तोड़ तोड़ के खा रही थी फिर अपने चोंच को नुकीला बना रही थी। ऐसा करना इस यंग सीगुल को बहुत पसंद था और आखिरकार इस यंग सीगुल से रहा नहीं गया और उसने अपनी आवाज में अपनी माँ से खाना मांगा। उसने कहा गा 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 खाना लाओ और उसकी माँ की तरफ से भी इस यंग सीगुल के लिए कुछ रिप्लाई आता है। उसकी माँ कहती है गौ कॉल आह, मतलब अपनी आवाज में उसकी माँ कह रही है तुम पागल हो। लेकिन फिर भी ये यंग सीगुल बार बार अपनी माँ से खाना मांगता रहा और आखिरकार एक मिनट बाद ये एकदम खुशी से चिल्ला पड़ता है। ये यंग सीगुल क्या होता है, ये देखता है कि इसकी माँ इसकी तरफ मछली का एक टुकड़ा लेकर उड़ते हुए आ रही है। ये यंग सीगुल जैसे ही देखता है कि इसकी माँ इसकी तरफ फिश का टुकड़ा लेकर आ रही है ये सामने की तरफ झुक जाता है। ये अपने माँ के और ज्यादा पास जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मदर सीगुल जैसे ही इस यंग सीगुल के पास पहुंचती है ये रुक जाती है। ये अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देती है। इस यंग सीगुल को तो समझ ही नहीं आता कि इसकी माँ इसके पास क्यों नहीं आ रही है। लेकिन इतनी ज्यादा भूख लगी थी इसे कि भूख के मारे ये मछली पकड़ने के लिए सामने जंप कर देता है और जैसे ही ये सामने की तरफ छलांग लगाता है तो सीधा इसने देखा कि वो लेज के नीचे गिर रहा है। वो बहुत तेज से चिल्लाता है, इसकी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता है और उसके बाद इसे अचानक फील होता है कि इसके पंख सामने की तरफ खुल रहे हैं। इसने फील किया कि एयर का प्रेशर हवा का दबाव अब इसकी बॉडी पर इसके पंखों पर पड़ रहा था। अब ये यंग सीगुल नीचे नहीं गिर रहा था, अब तो ये आसमान में धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगा था। अब ये उड़ने से बिल्कुल नहीं डर रहा था, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था इसे। लेकिन फिर इसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर आसमान में उड़ने लगा। जैसे ही इसकी फैमिली देखती है कि ये यंग सीगुल उड़ने लगा है, इसकी मदर इसके ऊपर से उड़ती है बहुत तेज से आवाजें करते हुए। ये यंग सीगुल भी अपनी माँ का रिप्लाई देता है एक बहुत तेज आवाज गा 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 करके। ठीक है, इसके फादर भी इसके ऊपर से उड़ रहे थे, इसके फादर इसे शाबाशी दे रहे थे। इसने देखा कि इसके सारे भाई बहन अब इसके साथ उड़ने लगे थे। वे सब कभी समुद्र के पास जाते तो फिर कभी आसमान में ऊंचा उड़ने लगते थे। मतलब अब इस यंग सीगुल को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले तक तो ये उड़ भी नहीं सकता था, अब तो ये आराम से कभी नीचे जाता कभी आसमान में छलांग लगाता, फिर अलग अलग तरीके से सोअरिंग डाइविंग करवेटिंग अलग अलग तरीके से वे लोग आसमान में उड़ रहे थे। अब ये यंग सीगुल जैसे ही समुद्र के ऊपर उड़ रहा था ना, इसने देखा कि इसके नीचे बहुत बड़ा ग्रीन कलर का समुद्र फैला हुआ है। इसने देखा कि उस समुद्र में छोटी छोटी रिजेस छोटी छोटी लहरें भी आ रही हैं और ये सब देखकर ये यंग सीगुल बहुत खुश हो जाता है। इसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। तभी इसने देखा कि इसके सामने समुद्र के सरफेस पर इसकी पूरी फैमिली लैंड कर चुकी है। पूरी फैमिली समुद्र के ऊपर बैठी हुई है और वहां से इस यंग सीगुल को देखकर ताने मार रही है इसकी कायरता के लिए, ताकि ये यंग सीगुल भी समुद्र के सरफेस पर बैठ सके और तैरना सीख सके। अब ये सब सुनकर इस यंग सीगुल को बहुत बुरा लगता है और वो समुद्र के ऊपर उतरना चाहता है। जैसे ही इस यंग सीगुल ने अपने पैर को समुद्र के सरफेस पर रखा ना, उसका पैर नीचे डूबने लगता है।
यंग सीगुल बहुत डर जाता है और ये अपने आप को ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतना थक चुका था वो कि अब वो अपने बॉडी को ऊपर नहीं खींच पाता है। धीरे धीरे इसके पैर उस पानी में डूब गए थे, समुद्र के पानी में, और जब इसका बेली, जब इस यंग सीगुल का पेट समुद्र के सरफेस पर टच हुआ ना, उसके बाद ये और अंदर नहीं डूबा। अब ये यंग सीगुल पानी के सरफेस पर तैर रहा था। तो अल्टीमेटली इस यंग सीगुल ने उड़ना भी सीख लिया, तैरना भी सीख लिया, और ये सब देख के इसकी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। वे इसे शाबाशी दे रहे थे और अपने अपने चोंच से इस यंग सीगुल को डॉग फिश, एक प्रकार की मछली होती है, वो खाने के लिए ऑफर कर रहे थे, क्योंकि इस यंग सीगुल ने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, जिस नेम से ही पूरा बुक था। Hi everyone, this is Prem. Are you preparing for NTSC class 10th? अगर आप स्टेज 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो Unacademy आपके लिए लेके आया है फ्री टेस्ट सीरीज। बिल्कुल फ्री एक्सेस कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज को और चेक कर सकते हो कि आपने अभी तक कितनी प्रिपरेशन की है। प्लीज चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कल 25th ऑफ नवंबर को फ्री टेस्ट सीरीज बाय अनअकैडमी जरूर कंडक्ट करिए इस टेस्ट सीरीज को, और इसके बाद आपके एनालिसिस क्लास भी लिए जाएंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगी, आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इन सारी चीजें टॉप एजुकेटर्स एनटीएससी के डिस्कस करेंगे। सो प्लीज चेक द लिंक गिवन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यार वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।